नमस्कार, आज हम बात करेंगे घुटने के जोड़ को बदलने के ऑपरेशन यानी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नी जॉइंट क्या होता है। इसके लिए हम इस मॉडल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो घुटने का जोड़ है वह हमारी थाई बोन यानी फीमर और लेग की हड्डी यानी टिबिया के बीच का जॉइंट होता है और इसमें आगे एक छोटी बोन यानी कि पैटला होती है। इन जॉइंट के सरफेस पे एक कार्टिलेज नाम के टिश्यू की परत होती है ताकि जॉइंट की मूवमेंट स्मूथली हो पाए और इस कार्टिलेज के घिसने के प्रोसेस को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी नी के जॉइंट का घिसाव सबसे कॉमन इंडिकेशन, सबसे कॉमन कारण है जिसके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है। डिपेंडिंग ऑन कि कितना कार्टिलेज लॉस हुआ है, कितनी कार्टिलेज घिस चुकी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेडिंग की जाती है जो कि 0 से लेकर 5वें ग्रेड तक होती है और इसी ग्रेडिंग के मुताबिक उस नी का इलाज किया जाता है। एडवांस आर्थराइटिस में सबसे बढ़िया इलाज नी रिप्लेसमेंट को ही माना जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में जोड़ के जो घिसे हुए सर्फेस हैं उनको रिप्लेस किया, यानी सर्फेस रिप्लेसमेंट की जाती है। इसमें मेटेलिक कंपोनेंट्स को जॉइंट सर्फेसिस पे चढ़ाया जाता है सीमेंट द्वारा और दो मेटल सर्फेसिस के बीच में एक हाईली क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक जिसको पॉलीएथिलीन कहते हैं उसको रखा जाता है ताकि घुटने की प्रॉपर मूवमेंट आ सके। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत किन मरीजों को है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आमतौर पे उन मरीजों को चाहिए जो घुटने की दर्द की वजह से अपने रोजमर्रा के काम करने में असक्षम है, जैसे कि मार्केट तक जाना, चलना फिरना, किसी फैमिली फंक्शन में जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। मरीज अदरवाइज फिट है और घुटने के दर्द और घिसाव की वजह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के इन कामों को नहीं कर पा रहा है, उनके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइजेबल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआती स्टेजेस में जब जोड़ में घिसाव कम हो तो दवाई और एक्सरसाइज से इसका ट्रीटमेंट आमतौर पर एडवाइज किया जाता है, परंतु अत्यधिक दर्द की गोलियों का सेवन करना किडनी डैमेज और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, इसलिए लंबे समय दर्द की दवाई लेना एडवाइजेबल नहीं होता है। जिन लोगों को घुटने के दर्द के लिए हफ्ते में 3 से अधिक दिन दर्द की दवाई खानी पड़ रही हो उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बताना चाहूंगा कि पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल रोहतक में जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। हमारे हॉस्पिटल में हम मरीज की प्रॉपर प्लानिंग, एक्सरेज और बाकी टेस्ट के बाद मरीज को प्लान्ड डे ऑफ सर्जरी से एक दिन पहले दाखिल करते हैं। इसमें मरीज की प्रॉपर पार्ट प्रिपरेशन की जाती है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस को कम से कम किया जा सके। डेट ऑफ सर्जरी पे मरीज को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है और इस सर्जरी से पहले ऑपरेशन थिएटर की जो फ्यूमिगेशन है वो और बेहतर तरीके से की जाती है ताकि इन्फेक्शन को कम से कम किया जा सके। पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की हमारी टीम बहुत अनुभवी है और सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है ताकि मरीजों का आउटकम बहुत अच्छा हो। हमारे मरीज आम तौर पर ऑपरेशन के अगले दिन से ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं, ठीक से एक्सरसाइज कर पाते हैं और एपिडुरल एनेस्थीसिया का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो पाए। आम तौर पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल स्टे 3 से 5 दिन का रहता है। यदि कोई पेशेंट स्टिचलेस ऑपरेशन चाहता है ताकि ऑपरेशन के बाद टांके निकालने की कोई समस्या या दुविधा ना रहे तो उसके लिए स्टिचलेस सर्जरी की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। आमतौर पे हमारे पेशेंट्स ऑपरेशन के नेक्स्ट डे अपने पैरों पर चलने में सक्षम होते हैं। ऑपरेशन के तुरंत अगले दिन से ही हमारी फिजियोथेरेपी टीम मरीज की एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर देते हैं और उनको चलाना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप घुटने के दर्द से ग्रस्त हैं और घुटने की दर्द की वजह से आपकी लाइफ मुश्किल हो रही है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में हमारी नी रिप्लेसमेंट टीम के साथ ज़रूर परामर्श करें। पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल हरियाणा सरकार के पैनल पर भी है एवं लगभग सभी प्राइवेट पैनल्स पर भी है ताकि मरीज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की कैशलेस सुविधा भी अवेल कर पाए। तो यदि आप घुटने के दर्द से ग्रस्त हैं और आपकी जिंदगी नी पेन की वजह से मुश्किल है तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप एक बार हमारे हॉस्पिटल में हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट टीम के साथ अवश्य परामर्श करें। धन्यवाद।